वेलकम टू टेस्टिंग एकेडमी हिंदी गाइस। सो बहुत बार मेरे से लोग पूछते थे कि प्रमोद इस टॉपिक के बारे में बात करो कि हमें एक बग मिला है बट उसके स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस नहीं मिल रहे, राइट? तो हमें उसको डेवलपर को कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, राइट? और कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। बहुत बार आप अगर मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो, राइट, तो आपको एक ऐसे बग्स मिलेंगे जो कि आपको उनका स्टेप टू रिप्रोड्यूस नहीं बना मिला, राइट? या फिर वो एक वन टाइम एक बार एक ही बार जो है रिप्रोड्यूस हुए, उसके बाद आपसे हो नहीं रहे। और आपसे हो सकता है कि आपके पास उसका स्टेप टू रिप्रोड्यूस का स्टेप्स है ही नहीं, राइट? तो उस केस में आपको प्रॉपरली क्या करना है, इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा, ठीक है? तो बहुत ही छोटी वीडियो है लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आपको 10 ईयर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कैसे इसको प्रॉपरली आप हैंडल कर सकते हो। और इसके बाद आई थिंक आपका बग रिजेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी मान लो ऐसा कोई केस आता है, राइट, कि जिसके अंदर आपको आपने कुछ आपको स्टेप्स कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स वेबसाइट में एड टू कार्ट कर रहे थे, एकदम से समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ एरर आया और आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। अब आपको क्या करना है, आपको टाइम ड्यूरेशन नोट कर लेना है कि कब आया मुझे, ठीक है? आप क्या करिए कि डेवऑप्स के पास जाइए या फिर डेवलपर्स के पास जाइए, उनसे कहिए कि बैकएंड के अंदर अगर आपके पास कोई एरर लॉग्स हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जितनी भी होती है ना, वो लोग कोई ना कोई लॉगिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसके अंदर वो हर एक इवेंट के लॉग्स को कैप्चर करते हैं, ठीक है? अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले पाए हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप उसका एक वीडियो ले पाए हैं तो भी वेल एंड गुड है। अगर आप ये दोनों नहीं ले पाए हैं तो थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, डेवलपर के पास जाइए, उसको बोलिए कि 12 बजे के आसपास मेरे को एक एरर आया था जिसमें समथिंग वेंट रॉन्ग, जिसको मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ। आप उसको अपने ग्रेलॉग के अंदर देखिए, sentry.js के अंदर देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन है तो लॉगिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, वहां पे डेट और टाइम से एक्सेप्शंस को देखिए, ठीक है? आप अगर वो एक्सेप्शन आपको मिल जाती है तो आप वो एक्सेप्शन ऐड करके एक बग लॉग कर दो और डेवलपर को असाइन कर दो। सबसे इजीएस्ट वे है ये हैंडल करने का, ठीक है? अब हो सकता है कि बहुत बार केसेस में आपको वो एक्सेप्शन नहीं मिल रही, ठीक है? हो सकता है कि वो लॉग नहीं आया, तो आपको क्या करना है, उसके स्टेप टू रिप्रोड्यूस एक बार अपने हिसाब से जितने भी आपको लगते हैं वो लिख के रख लीजिए और आपको एक बग रेज कर देना है, ठीक है? मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप बग रेज करके डेवलपर के साथ डिस्कशन करिए। अगर वो बग रिजेक्ट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, बग रिजेक्ट हो रहा है इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो वन टाइम सिचुएशन होगी जिसको डेवलपर ने प्रॉब्ली हैंडल कर दिया होगा बाद में, ठीक है? हो सकता है, राइट? बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको लॉग जरूर करना है बग, तो स्टेप्स आपको जरूर लेने हैं, आपको बग लॉग करके आपको लॉगिंग की तरफ मूव करना है। तो लॉगिंग ही इसका सबसे सिंपलेस्ट सोल्यूशन है। एक और चीज मैं आपको बता सकता हूँ जो मैं पर्सनली यूज करता था। मैं क्या करता था कि मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डर को ना परमानेंटली ऑन कर देता हूँ जब भी मैं टेस्ट कर रहा होता हूँ। तो एग्जाम्पल, मैं ना एक एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कर रहा हूँ एक ई कॉमर्स वेबसाइट की, तो मैं ना रिकॉर्डिंग ऑन करके रख दूंगा, तो अगर कोई बीच में एरर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली मैं उसको रिकॉर्डिंग को ट्रिम करके उसको काट के मैं वो एज ए बग डाल देता हूँ, ठीक है? ये तरीका भी बहुत बार काम आता है पर ये थोड़ा स्लो है इसमें, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग आप 24 घंटे ऑन नहीं कर सकते। अगर आप 5 घंटे कंटिन्यूस टेस्ट करें तो रिकॉर्डिंग थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, पर इसी पर ये बहुत बार काम करता है अगर आप छोटे छोटे टेस्ट केसेस कर रहे हो और आपको बहुत फ्रीक्वेंट बग मिल रहे हो और ऐसे बग मिल रहे हो जिनका आप प्रॉपरली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो आप रिकॉर्डिंग का तरीका भी अपना सकते हैं, ठीक है? तो दो तरीके मैंने आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझाए। पहला है आपको लॉगिंग कर देना है, लॉग करना है बग को, या फिर लॉग्स के अंदर जाके चेक करना है। लॉग बग को लॉग तो जरूर करना है ताकि वो डिस्कस कर पाओ और रिस्क भी डिस्कशन कर सकते हो आप उसका कि हाँ ये बग आ सकता है फ्यूचर में, कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन है जो आ सकती है पर अभी नहीं आ रही है, ठीक है? तो हमें एज ए डेवलपर एक साथ काम करके उन्हें प्रॉपरली बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बताना जरूर है, बग लॉग करना है, लॉगिंग को ढूंढिए। तीसरा, आप एक रिकॉर्डिंग भी चालू कर सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं। बहुत बार आपको जावास्क्रिप्ट कंसोल में एरर्स मिल जाएंगे, उन कंसोल्स को भी आप डायरेक्टली अपने बग पे उसमें डाल सकते हैं, ठीक है? तो नोट डाउन करिए अपने लॉग्स को एज वेल एज अपने एरर्स को, ठीक है? मिलता हूँ अगली वीडियो में। आई होप आप यू हैव लर्न समथिंग।